Hey, what's up guys, welcome back today to my another new video and to my channel. And in this video I'm gonna show you how to fix RPC S3 error. Booting failed, the selected file or folder is invalid or corrupted. Whenever I try to open PS3 games folder in my RPC S3, I face this issue in my RPC S3. So this video is about PS3 games folder error, booting failed, the selected file or folder is invalid or corrupted. गाइज ये वीडियो बोरिंग फील्ड एरर के बारे में है। जब भी हम PS3 गेम्स फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करते हैं अपने RPCS3 एमुलेटर में, तो हमें इस एरर का सामना करना पड़ता है। मैं स्पेशली PS3 गेम्स फोल्डर के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास पैकेज फाइल है या ISO फाइल है, अगर आपको अपने RPCS3 में बोरिंग फील्ड एरर का सामना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा इसी एरर के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना RPCS3 ओपन कर चुका हूं और ये मेरे पास गेम पड़ी हुई है PS3 फोल्डर फॉर्मेट में। ठीक है, ये देखिए PS3 गेम फोल्डर्स, तो मेरे पास गेम है फोल्डर फॉर्मेट में। So as you can see, I have PS3 game folder. Now I go back. As you can see, whenever I try to open these folders in my RPCS3, this error is showing again. तो अभी हम इस मसले को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये देखिएगा, ये रहा हमारा फोल्डर, तो PS3 game 2 package files. I have two files, two softwares. So, अभी आपको जाना है अपनी game folder की तरफ। Now, guys, you need to go to your original game folder, Minecraft I'm using. So, this is my game folder, original. And now, copy this folder, PS3 game. So, guys, इस PS3 game folder को यहाँ से copy कर लें और यहाँ पर paste कर दें। Paste here, guys. और इसको ओपन करने से पहले मेरे पास कुछ फाइलें हैं पैच फोल्डर में, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं और इसको अब हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो नाउ ओपन इट गाइस। ये देखिएगा यहाँ पर आपको स्किप 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 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो वेट फॉर सम टाइम। तो इट्स डन गाइस, ऑल प्रोसेसिंग गेम फाइल्स और डन ओवर हियर, नाउ प्रेस एंड की टू एग्जिट। अभी ये हमारे पास एक न्यू फोल्डर है गाइस, वी हैव अ न्यू फोल्डर माइनक्राफ्ट प्लेस्टेशन 3 एडिशन। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास दो फोल्डर्स आ चुके हैं, वी हैव टू एक्स्ट्रा फोल्डर्स। नाउ कट दीज टू फोल्डर्स फ्रॉम हियर एंड गो बैक एंड गो टू अनदर सॉफ्टवेयर, मेक बैकअप पैकेजेस फोल्डर, ओके ओपन इट और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट हियर गाइस, नाउ ओपन इट। अब इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको वेट कर लेना है गाइस। ओवर हियर यू नीड टू वेट सम टाइम्स मोर ओवर हियर। सो सक्सेसफुली क्रिएटेड पैकेजेस फाइल्स, प्रेस एंड की टू एग्जिट। तो क्लोज कर दीजिएगा इस विंडो को। तो ये हमारे पास तीन न्यू पैकेजेस फाइल आ चुकी हैं गाइस, वी हैव न्यू 3 packages files for our game, okay? Guys, ये हमारी original game है और ये जो नीचे दो files हैं ये एक DLC files है और update files हैं। ठीक है, जो हमारी original file है game की वो सबसे ऊपर वाली है, one game, ये आप देख सकते हैं, okay? और 2 patch है हमारी update file। तो अभी हमने अपनी original game को run करना है, update file को नहीं। तो अभी हम अपने RPCS की तरफ चलते हैं। ओपन योर RPCS3 एमुलेटर एंड इंस्टॉल दिस पैकेज फाइल। फाइल इंस्टॉल पैकेजेस एंड रैप और नाउ गो टू योर पैकेज फाइल। हियर इज माय PS3 गेम 2 PKG फाइल्स फोल्डर, ओपन इट एंड ओपन दिस फोल्डर।
you need to install this package file, original game, not other one. And click on yes. Game is successfully installed. Now open this game. And here we go. As you can see, the error has been fixed. So I hope you like this video. If you like, then please do not forget to subscribe my channel. Thanks for watching, guys. Bye bye.